हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एलथिन ग्रुप के यूट्यूब चैनल एलपीसी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, कल हम सीख रहे थे त्रिकोणमिति और इसका बेसिक पढ़ रहे थे, तो कल मैंने आपको इनके रेशियो के बारे में बताया कि एल ए एल के या पी वी पी पॉइंट एच वी का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से साइन की भी निकालते हैं, कोस की, टेन की या कोसेक सेक कोट की निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगुलर कोसेक चल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल्स का। जैसे ही इसके एग्जाम्पल हम करेंगे, जब कल जो पढ़ा था उसको एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री का यूज किस प्रकार से होता है। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है थ्री टेन थीटा इक्वल टू फोर। इफ मैं लिख देता हूं, चलो क्वेश्चन है इफ 3 tan इक्वल टू 4, एक को यदि बोल सकते हैं हिंदी में, यदि 3 थीटा बराबर 4 है तो क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है आपको 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। आपको पूछ रहा है तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 माइनस sin थीटा की, 1 प्लस sin थीटा की। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर यहां से लेंगे, दिया हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4 अपॉन 3, लिख सकते हैं ना। अब चेक करेंगे tan थीटा में क्या रिलेशन होता है, तो पहला sin का होता है, दूसरा cos का, तीसरा tan का, तो l अपॉन a या p अपॉन b बोल सकते हैं इसे, ठीक ना। तो ये हमारा l हो गया लंब और a का मतलब आधा हो गया, ठीक ना। हमें क्या निकालना है, k निकालना है, तो k इक्वल टू होता है क्या होता है, l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर रूट के अंदर, ये तो k होता है, ठीक ना। तो k की वैल्यू क्या होती है, l का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो कर देंगे 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 का 9 कितना गया 25 और 5 आ गया, ठीक ना। आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं पहली बार समझा रहा हूँ, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं सीख रहे हैं उनके लिए पूरी क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। आप डायरेक्ट कर लोगे या आप ट्रिपल याद कर लोगे कुछ, जिनसे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो के आपका 5 आ गया। अब यहाँ पर साइन है, इस क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या पूरा होता है एल अपॉन के, एल कितना है 4, के कितना निकला 5, तो 4 अपॉन 5 निकलेगा, ठीक है ना। अब हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आता है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस 4 अपॉन 5, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस 4 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे इसे, तुम्हारा हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 5 और 5 प्लस 4 अपॉन 5 कैसे अप कर जाएगा, तो 1 अपॉन 9, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो वैल्यू दी हुई है इन रेशियो को यूज करके, फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। इनको इनकी वैल्यू होती है एल ए के की, इनको याद करने के लिए कुछ टेबलेट हैं, आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ टेबलेट बताता हूँ, उनको आप याद कर नहीं सकते हो। जैसे बात करें पहला टेबलेट हम लेते हैं, ठीक है, चलिए हमने क्या लिया 3.4.5 लिया, हमने देखा 3.4.5 लिया, ठीक है ना। क्या लिया हमने 3.4.5 लिया, 3.4.5 लिया, ठीक है ना। अब इससे एक टेबलेट है आपका, इसका क्या हो सकता है, तो सबको डबल कर दो, तो 3 का डबल 6, 4 का 16, 5 का 10, ठीक है ना, सबको डबल कर दोगे आप, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, ठीक है ना। इसका ट्रिपल कर दो, तो 3 का 9, 4 का 12 और 5 का 15, ठीक है ना। तो एक ट्रिपल थे, आपने अपने क्या याद किया, 3 4 5 याद किया, इससे आपको ये भी याद हो गया और आपको इसमें ये भी याद हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें 7 और देख लेता हूं, 5 12 13 की बात करें, तो 5 12 13 में क्या होगा, 5 का 5 रखो 10 हो जाएगा, सॉरी
तो इसका 24 लिख सकते हो और 13 का आप लिख सकते हो 26। ये कह सकते हो 2 टाइम्स कर रहे हैं इसे, इसे हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, ये 1 टाइम्स है, ये मान सकते हैं 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इस तरह बोल सकते हैं। तो 10 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, अब 5 3 15 होता है 36। मैं डेस लगा रहा हूँ, डेस लगा देते हैं, और क्या होता है 39, ऐसे होता है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें कुछ टेबल याद करनी है, उनके आगे हम आसानी से लिख सकते हैं। जिसे हम याद करें 7 24 25, हमने क्या दिया 7 24 25 लिया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 14 48 50, ठीक है, 21 72 75। इस प्रकार से क्या टेबल लिखते जाएंगे। तो बहुत सारे टेबलेट आपके पास है, एग्जाम में आप पूछे गए हैं, आप कोई भी टेबलेट अपने साथ बना सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, मैंने इनके आधार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए आपके इस प्रकार से ये लिखा हुआ है और कह दिया आपसे कि ये वैल्यू आपकी 50 की है, ये वैल्यू आपकी 48 है, सॉरी 90 तो बना लेते हैं, राइट एंगल बनाया मैंने इस तरह से। क्वेश्चन क्या है आपका, ये वैल्यू कितनी की 50 की है और ये आपकी कितनी की 48 है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी। तो आप तुरंत याद करोगे ये वाला कंडीशन कि 50 है 48 है, तो क्या बचा 14, ये वैल्यू आपकी 14 होगी, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। या फिर आपको इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर माइनस करना होगा इस फॉर्मूले का यूज करके कि स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूज करोगे इसमें, या फिर आप ट्रिपलेट आपको याद है कुछ तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी इनके पास क्वेश्चन आ जाता है, कोई वैल्यू पूछ सकता है, इस पर आपको दे देगा, बोल देगा मान ली ये आपका 39 है, सॉरी ये आपका 39 है, ये आपका 36 है, ये कितना होगा, आप बताओ 15 है, कैसे हो जाएगा। क्या आपको ट्रिपलेट का रेशियो पता है कि रिलेशन होता है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट है आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करेंगे। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया केवल, और कुछ ट्रिपलेट के एग्जांपल लिए, ठीक है ना। आगे और हम एग्जांपल लेते हैं, मैं रब कर रहा हूँ इन चीजों को क्योंकि तो बहुत छोटा है, थोड़ा सा जगह स्पेस कम है। और एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इस पर जिन्हें हम करेंगे, मैं कुछ ही एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, ठीक है ना। आप किसी बुक से कर सकते हो, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जैसे आप चाहो जैसे कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन से आप ये 10 थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, क्वेश्चन क्या आपका, यदि आपका 10 थीटा है वो ए अपॉन बी के बराबर है, ठीक ना। जो 10 थीटा आपका क्या है, ए अपॉन बी के बराबर है, तो बताना है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा क्या वैल्यू होगी, आपको बताना है कि ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा बी कोस थीटा सॉरी ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो या तो हमारे पास वही है पहला तो ट्रिक कि यहाँ एल और ए दिया है तो बात कर लेंगे, ये एल होगा आपका, ये ए होगा मतलब ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये हम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ पर याद, ठीक है, तो हमें चाहिए क्या है, के चाहिए क्या है, के। तो के निकाले हम क्या करेंगे, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, ये तो हमारे पास करने का तरीका है, ठीक ना। और हम क्या करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। या फिर हम क्या करेंगे, ठीक ना, बहुत से मेथड है करने के लिए, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन कॉस या साइन में से किसी एक को 10 बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलो 10 बना के करते पहले, तो मैं क्या करूंगा, ये तो 10 बन सकता है, 10 कैसे बनेगा कि साइन में अगर मैं कॉस से भाग दे दूं तो 10 हो जाएगा, तो
ठीक ना। तो क्या करना आपको, देखो यहाँ कॉस है यहाँ कॉस नहीं है, तो मैं कॉस कॉमन लेता हूँ दोनों में से, कॉस लिया कॉमन लिया मैंने, तो ठीक ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे साइन था तो साइन रहेगा, यहाँ कॉस नहीं था और कॉमन लिया तो कॉस अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि जैसे कॉस को मैं अंदर ले जाऊँ मल्टीप्लाई में तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो साइन अकेला बचेगा। प्लस करेंगे बी का बी रहेगा यहाँ पर, यहाँ कॉस था कॉस बाहर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। ऐसे हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ हमने क्या किया कॉस को कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा सेम जैसे ऊपर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी। ये आपका लंबी प्रोसेस है, पर लेकिन आप एग्जाम में ये वाली प्रोसेस को नहीं करोगे, आप डायरेक्ट करोगे जैसे यहाँ पर साइन या कॉस दे रहा है, यहाँ पर साइन या कॉस दे रहा है, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट कितना लिखोगे, यहाँ पर ए का ए लिखो जो वैल्यू वो लिखोगे या फिर टेन लगा दोगे, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो लिख दोगे कॉस को हटा दोगे, क्योंकि सॉल्व करने पे आपको यही आता है निकल के हर बार। तो जब भी ऐसा रिलेशन हो साइन कॉस का तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार लिखना है, क्योंकि कॉस से कॉस कट सकता है, साइन अपॉन कॉस टेन होगा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, अब आपको के निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि टेन थीटा हमारे पास है और टेन थीटा वैल्यू में पता है क्या है ए अपॉन बी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई, नीचे लिख देता हूं, तो ए मल्टीप्लाई टेन थीटा क्या है वैल्यू ए अपॉन बी प्लस बी, ए मल्टीप्लाई ए अपॉन बी माइनस बी, सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप फ्रैक्शन तो कर लेते होंगे तो बी से भी कट जाएगा, तो सिंपली आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन में होगा, आप टिक लगा दो उस पर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं जो हम कर सकते हैं इन सिंपल चीजों का यूज करके, और कई बार टपरे पे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सीजीएल में कई क्वेश्चन आ जाते हैं और भी एग्जाम में कई क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक ना। तो अभी क्वेश्चन बहुत आपको बहुत बड़ा लग रहा है, पर लेकिन जैसे ही आपको इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप लिखोगे उसके बाद डायरेक्ट आपको ये वाला स्टेप अपने आप आ जाएगा किस तरह से लिखना है। ये सब कब आएगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार को एक दो बार करोगे इसको तब समझ जाओगे ये चीज कॉमन है, तो अपने आप करने लगोगे। पहले आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, एक दो क्वेश्चन सेम करोगे अपने आप करोगे। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं रख करता हूँ इसे, आपने देख लिया, रख कर देता हूँ इसे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है तो हमें फाइंड करना है 4 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक ना, 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। आप अपने से यहाँ क्या करना है, आपको अपने दिखाई दे रहा है हमें करना क्या है, हमें सिंपल यही करना है कि इसे टेन में चेंज करना, तो आप सिंपल लिख दोगे 4 tan थीटा माइनस 2 और 4 tan थीटा प्लस 2, क्योंकि आपने पहले किया तो वही स्टेप को याद है, सिंपल आप करोगे 4 का 4, आप देखो क्या लिखा है 4 tan से बराबर 3 के, सिंपल लिखोगे 3 माइनस 2 और 3 प्लस 2 तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन 5, ठीक ना। क्वेश्चन को देखा सेम आपने किया कि 4 tan थीटा लिखा है यहाँ पर, 4 tan थीटा 3 का 3 और सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम ज्योमेट्री टॉपिक की ओर, आखिर ज्योमेट्री टॉपिक से एक क्या है, इसे किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया गया है, ट्रायंगल से में आया कि किस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब थोड़ा ज्योमेट्री को चल लेते हैं कि ज्योमेट्री का किस प्रकार से, ठीक है ना। तो मैं सब ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने ग्राफ बनाया है, ग्राफ टाइप बनाया है, ये ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा हुआ ग्राफ बना सीखा ज्योमेट्री में,
आप एक फॉरिनर ज्योमेट्री पढ़ी होगी 10th में, उसी पे ग्राफ है ज्योग्राफी का, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, पर जैसे इधर जाते हैं एक्स नेगेटिव होता है और नीचे की ओर वाई नेगेटिव होता है। अब ग्राफ पढ़ते हैं छोटी क्लास में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ स्टार्ट की जीरो एंगल है, पूरा घूमा 90, 180, 270 और 360। तो इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपके चार क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे चार क्वाड्रेंट है, आपने वैसे पढ़ा है बेसिक में, ये जो 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। आज से बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस क्वाड्रेंट का ही बड़ा यूज है, चार क्वाड्रेंट है इनका बड़ा यूज है। तो बात करें जीरो से, तो इस क्वाड्रेंट फर्स्ट में बात करें, फर्स्ट में एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो प्लस थीटा होगा, 90 से छोटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। हाँ, जीरो स्टार्ट किया, जीरो से बड़ा है, 90 छोटा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा थीटा होगा वो क्या होगा, 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, मोर देन 90, जो एंगल और 180 से छोटा एंगल आएगा, तो जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा होगा, 180 छोटा होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचे, तो यहां पे जो होगा 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा स्मॉल होगा, तो 270 माइनस थीटा। अब इसकी बात करें तो 270 बड़ा होगा तो क्या होगा, 270 प्लस थीटा होगा यहां पर, और क्या होगा, 360 से छोटा होगा, तो 360 माइनस थीटा, और आपका जीरो से भी छोटा होगा तो जीरो माइनस थीटा, ठीक है ना। इनसे छोटा होता है हमेशा, इनसे बड़ा होता है। अब यहां बात करें 360 पहुंचे हम, आगे बढ़े इसमें, तो जो हुआ 360 प्लस थीटा, तो जहां भी थीटा होगा वो 360 से बड़ा भी थीटा इसके अंदर ही आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से सर्किल चलता रहता है, तो मान 360 प्लस थीटा की हम रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी आएगा वो 360 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना, या फिर और वैल्यू 90 मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये वैल्यू एक्स में के अंदर जो आए हुए हैं, फिर इनका यूज कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम बचपन पढ़ते आए हैं, क्लास 10 तक पढ़ाया जाता हमें कि इसके अंदर जितने भी रेशियो होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर, ऑल पॉजिटिव, हमने ये तो पढ़ा है, हमने से पढ़ा है इसके अंदर साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं केवल, और सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होते हैं मैं सब डिस्कस बाद में करूंगा, अभी आपको ये ध्यान रखना है इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है। इसमें बात करें इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव के अंदर। इसमें बात करें तो इसमें आपका कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब सवाल आता है कि सर इसके अंदर साइन पॉजिटिव कैसे हो जाते हैं, इसके अंदर आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसके अंदर टेन कोट पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होते हैं, सर क्या रीजन है। तो चलो चलते हैं, तो इसे हम आधार मानेंगे, एक्स एक्सिस को आधार मान लेंगे, और एक्स एक्सिस है इसे आधार मान के हमने क्या किया, इस प्रकार से वैल्यू ले ली। सपोज करते हैं ये वैल्यू कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, एक ये वैल्यू है कोई आपकी और एक ये वैल्यू आपकी, ठीक ना। तो ये 90 एंगल हुआ, यहाँ पर हमने इस एंगल को थीटा माना है, और हम एक्स को बेस मानेंगे, तुम्हारी आई आंख है यहाँ से देख रही है थीटा हो जाएगा, तो इसे ए वाली की हो जाएगी, फिक्स है ए वाली की होगी, इनमें से कोई लंब होगा कोई आधार होगा, तो थीटा जैसे सामने वाला लंब होगा और थीटा जिस पर बना हुआ है आधार उस ए होगा आधार होगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा। अब बात करें किसी भी रेशियो, इसमें हमने क्या देखा, के भी पॉजिटिव है,
एल भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है इसके अंदर की एल ए, ठीक ना। और रेशियो और हमने पढ़ा फॉर्मूले में, सारे फॉर्मूले होते हैं आपके एल ए एल पर इंडिपेंड और के पढ़ा था, मतलब हम कह सकते हैं इन तीनों चीजों तीनों पर ही सारे रेशियो डिपेंड है। तो इस प्रकार से ये सब तीनों ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक ना। अब जैसे मैं सेकंड क्वाड्रेंट की ओर बढ़ता हूं, जैसे मैं सेकंड क्वाड्रेंट बढ़ूंगा तो क्या होगा, इस तरह से बढ़ूंगा, आपको बेस ए लेना है एक्स को, तो एक्स हमारा बेस है, ये थीटा हो गया। अब बात करें ए वाली वैल्यू माइनस की होगी, कैसे होगी माइनस की, ए प्लस की होगी। हमने क्या देखा यहाँ पर लंब है वो पॉजिटिव है और ये आधार है वो नेगेटिव है, तो साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब वर्टिकल, और कोसेक का क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्व वर्टिकल लंब, ये तो पढ़ा था हमने। तो बेटा देखिए यहाँ पर आधार है, आधार नेगेटिव है केवल, ना तो लंब नेगेटिव है ना कर्व है, और लंब का किस में आते हैं केवल साइन और कोसेक में आते हैं, इसी दोनों पॉजिटिव है। इसके अलावा बात करें कोस की, तो कोस डे जैसे बात करेंगे हम, तो कोस में क्या होगा, कोस क्या होता है आपका आधार वर्टिकल, आधार क्या है नेगेटिव है, इसीलिए कोस नेगेटिव होगा, ऐसे टेन नेगेटिव होगा, कॉट भी होगा, ठीक ना, सेक भी होगा, केवल इन दोनों को छोड़कर साइन नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए हम लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आई बात सही है। अब बेटा थर्ड में चलते हैं, तो मैं इस तरह से किया, मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस को ही हम क्या आधार मान चल देंगे, हम मेरा करता जाता हूं चीजों को इसे, ठीक ना। तो हमने इस थीटा मान लिया, इसको इस थीटा के लिए ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा, ठीक ना। आप देखते हैं, देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक ना। अब लंब भी नेगेटिव है इसमें, आधार भी नेगेटिव है, तो बात करें आगे टेन थीटा की बात करें, तो टेन थीटा क्या होता है लंब और टेन क्या होता है आधार होता है, और दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो पॉजिटिव आएगा। कोट की बात करें क्या होता है, आधार और टेन लंब होता है, दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव कट जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। पर लेकिन अन्य किसी रेशियो को देखेंगे तो उसमें या तो एल आएगा अकेला, या अकेला ए आएगा टी के साथ में, तो वे सब नेगेटिव रहेंगे। जैसे बात करें साइन को ले लेते हैं, तो साइन थीटा की बात करें तो क्या होता है लंब वर्टिकल, तो लंब तो नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। हम बात करें कॉस की, तो कॉस क्या होता है आधार वर्टिकल, जब आधार नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव होगा, तो इसलिए केवल टेन और कॉट ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे। अब बात करें नेक्स्ट चलते स्टेप में फोर्थ क्वाड्रेंट पे चले, तो मेरे को इस तरह मिलाया मैंने, और मैंने क्या किया, चलो मैं सेम मिला देता हूँ, एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, एक ठीक है क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये थीटा ले लिया मैंने, जैसे थीटा लिया मैंने आधा, ये आपका एक्स ही रहेगा हमेशा, ये वैल्यू आपकी लंब हो जाएगी, ये आधा है तो ये तो नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू है आपकी, ये पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब क्या, इसमें आधार है वो पॉजिटिव है और लंब का नेगेटिव है, ठीक ना। तो इसमें जो भी फॉर्मूले आपके आधार कर्व के साथ होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। तो बात करें कॉस की, तो कॉस की बात करते हैं, तो कॉस होता है आपका आधार वर्टिकल कर्व, और सेक होता है आपका कर्व वर्टिकल आधार, दोनों रिवर्स होते हैं दूसरे के, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे इसमें और सब नेगेटिव होंगे। किसको लेते हैं, टेन को लेकर देख लेते हैं चलो, तो टेन क्या होता है आपका लंब वोल्टेज आधार होता है, हमने देखा इसमें लंब तो नेगेटिव है आधार पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब टेन नेगेटिव होगा, ऐसे कोट भी होगा टेन है तो, साइन है तो कोसेक भी होगा, तो इससे पता लगा कि क्या होता है कॉस और सेक ही फोर्थ के अंदर पॉजिटिव हो सकते हैं, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो कहानी थी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव होने की, ठीक ना। अब आगे बात करेंगे थोड़ा सा, ये मेरा करने वाला हूं,
दोस्तों हमने सीखा अभी क्या सीखा कि पॉजिटिव क्यों है, ये दोनों इसमें पॉजिटिव क्यों है, इसमें सारे पॉजिटिव क्यों है, इसमें साइन ऑफ कोसेक पॉजिटिव क्यों है, ठीक है, और सब नेगेटिव क्यों है, ये हमने सीखा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं चेंज की। तो हमारा जो रेशियो चेंज होते हैं वो किस पे होते हैं, 90 पर होंगे चेंज, 270 पे होंगे, ठीक है, ऐसी और कोई ऑड मल्टीपल होगा, कोई ऑड मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल की बात करें, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है, उसमें क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज कौन किस में होता है, जो साइन होता है वो कोस में होता है, साइन कोस में होता है, और कोस किस में, साइन में, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन किस में चेंज होता है, टेन कोट में, और कोट में चेंज होता है, टेन में, ऐसी सेक किस में होता है, सेक होता है कोसेक में, और आपका कोसेक होता है सेक में, बस साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हो कि कौन किस में रेशियो चेंज होता है। पर लेकिन बात करें जीरो की, ठीक है, 180 की, 360 की, या किसी भी 360 के मल्टीपल की बात करें, हम कोई भी 360 का मल्टीपल है हम उसकी बात करें, तो नो चेंज, इनमें चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन, कोस का कोस रहेगा, ऐसे टेन का टेन रहेगा, जो भी है रेशियो सेम रहता है, 360, 0, 180, 360 और 360 का कोई मल्टीपल्स है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती, नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, सही से लिख देता हूँ, चेंज, CHNGE, ठीक है ना, नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका आगे कि किस तरह से चेंज होता है और क्या है, इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।